हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर माइनक्राफ्ट आई पिक्सल स्काई ब्लॉक वीडियो। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बेस्ट HOTM 7 ट्री जो होने वाला है कमीशन और पाउडर ग्राइंडिंग के लिए, जो फिलहाल अभी हम यूज कर रहे हैं। सो एज यू नो, हम अभी 7 पे है, HOTM 7 लेवल पे है। सो सिर्फ 7 लेवल तक ही हम बताने वाले हैं कि बेस्ट कौन सा ट्री होने वाला है जो आप यूज कर सकते हैं फॉर कमीशन एंड पाउडर ग्राइंडिंग। सो फिलहाल अभी मेरे पास जो पाउडर है वो 8.8 मिलियन है अराउंड। मिथ्रल पाउडर 8.9 है और जेमस्टोन पाउडर 8 मिलियन है। अभी हम सिर्फ जेमस्टोन और मिथ्रल पाउडर ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेसाइट पाउडर 8 और 8 के बाद ही हम यूज कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग का 7 है, बहुत जल्दी हम लोग 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्री जब हम यूज कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी हम कमीशन कर पा रहे हैं। और पाउडर के लिए मेरे को और थोड़ा सा और जेमस्टोन पाउडर चाहिए, थोड़ा सा बफ करने के लिए ग्रेट एक्सप्लोरर और मोल को। सो चलिए हम दिखाते हैं हम क्या यूज़ कर रहे हैं। HOTM में सबसे पहले आपको ये दो तो खोलना ही पड़ेगा, माइनिंग स्पीड और माइनिंग फॉर्च्यून। फिर आपके पास ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ। सो अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो माइनिंग स्पीड आपको देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू पिकोब्यूलस। पिकोब्यूलस बहुत फास्ट है, अगर आप एक क्लिक करते हो तो। एक बार हम डेमो दिखा देते हैं क्या है। पिकोब्यूलस बहुत ही क्रीजी है, माइनिंग स्पीड से तो काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू सी, अगर हम एक क्लिक करते हैं भाई पूरा बहुत कुछ गायब हो जाता है। एंड ये सिर्फ ग्लेसाइट पे नहीं काम करता, ये आपका जेमस्टोन्स पे भी काम करता है। एंड इफ़ यू सी पिकोब्यूलस, आपका कूलडाउन 50 सेकेंड्स है एंड माइनिंग स्पीड बूस्ट आपका है 120 सेकेंड्स। और इसको करने के लिए भी आपको हर ब्लॉक पे फोकस करना पड़ता है माइन करने के लिए। सो ये मेरे को पिकोब्यूलस एज कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर लगा। एंड ये सेम चीज़ आप कर सकते हैं जेमस्टोन्स पे भी, जो कि बहुत सही है, क्योंकि एक बार आप क्लिक करते हो और आपका पूरा कमीशन ही कंप्लीट हो जाता है। एक दो ब्लॉक शायद छूट जाए, एक दो ब्लॉक माइन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम जाते हैं ऊपर एफिशिएंट माइनर, इधर से नहीं जाते बिकॉज आई डोंट नीड क्विक फोर्स। दिन में एक बार हम फोर्स पे लगाते हैं एंड फिर नेक्स्ट दिन ही हम चेक करते हैं, इसलिए आई डोंट नीड क्विक फोर्स। एंड फिर यहाँ पे आ जाता है मोल। मोल जो होता है माइनिंग स्प्रेड, ये हार्डस्टोन माइनिंग स्प्रेड करता है, जिससे आपको एक्सप्लोर जो ट्रेजर चेस्ट है वो एक्सप्लोर करने में आपको हेल्प मिलेगा पाउडर ग्राइंडिंग के समय, जो कि हम लोग का होता है क्रिस्टल हॉलोज में। एंड फिर प्रोफेशनल, ये आपको माइनिंग स्प्रेड देगा जेमस्टोन्स पे। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेमस्टोन्स माइन करते हुए कमीशंस करते हुए आपको ये लगेगा। फिर हम लोग राइट साइड की तरफ आते हैं, जेम लवर, जेमस्टोन फॉर्च्यून आपको चाहिए। एंड सीजन माइनर, सीजन माइनमैन, पाउडर स्पेंड। तो जितना पाउडर स्पेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको माइनिंग विजडम मिलेगा, विच मीन्स आपको माइनिंग एक्सपी मिलेगा। एंड देन कम्स फ्रंट लोडेड। मेरे पास ये ऑप्शन था कि हम ये ले या फिर ऊपर जो टॉप पे है फॉर्च्यून माइनमैन या फिर स्पीडी माइनमैन। ये स्पीड देता है हम लोग को माइनिंग स्पीड और ये माइनिंग फॉर्च्यून, तो इन दोनों में से एक चूज करना था मेरे को। सो हम सोचे कि ये ले लेते हैं फ्रंट लोडेड, बिकॉज जब भी हम 2500 जेमस्टोन्स हर दिन अगर हम माइन करते हैं उसमें मेरे को ये पर्क मिलता है जो है 3x जेम्स पाउडर, पहला 2500 जेमस्टोन्स पे 150 जेमस्टोन फॉर्च्यून, 250 माइनिंग स्पीड। सो ये मेरे को मिल जाता है फर्स्ट 2500 जेमस्टोन माइन करने पे, विच इज़ गुड, क्योंकि अगर आप सिर्फ डेलीज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि 2500 से ज़्यादा आप माइन कर रहे होंगे। सो डेलीज का 4 कमीशंस कर लो एंड आई थिंक उसके अंडर ये आ सकता है। ठीक है, ये हो जाता है फ्रंट लोडेड। और अगर इसमें से चूज कर रहे तो इसमें भी आपको जेमस्टोन पाउडर स्पेंड करना पड़ता है, तो विच मीन्स कि आपके पास और भी जेमस्टोन पाउडर होना चाहिए इनको फिलअप करने के लिए, 50-50 लेवल्स करने के लिए। तो उससे बेटर हम सोचे फ्रंट लोडेड ही कर लेते हैं, इसको बस अनलॉक करो एंड यू विल गेट इट इन फर्स्ट 2500 जेमस्टोन्स। सो ये अनलॉक कर दिए उसके बदले। फिर यहाँ पे डेली ग्राइंड और डेली पाउडर ज़रूरी है, क्योंकि पहला जो आप ब्लॉक माइन करते हो उस पर आपको डेली पाउडर्स मिलता है। एंड डेली ग्राइंड में भी सिमिलरली आपको मिथ्रल पाउडर, जेमस्टोन पाउडर एंड ग्लेसाइट पाउडर मिलता है पहला अगर आप दिन में माइन करते हो तो। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप जितना पाउडर स्पेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, माइनिंग आइलैंड पर करोगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा एंड HOTM लेवल भी। सिमिलरली इसमें भी आपको वैसे ही मिलता है डेली पाउडर्स में। तो ये दो ज़रूरी है अगर आप डेलीज ग्राइंड कर रहे हो तो पाउडर्स के लिए। एंड ओल्ड फॉर्च्यून उतना ज़रूरत था नहीं, बट क्योंकि मेरे को ये अनलॉक करना था इसलिए मेरे पास दो वे था, नीचे से अनलॉक करें या ऊपर से अनलॉक करें। सो ऊपर मेरे को ये दिखा फिशिंग वाला, फिशिंग वाला पर कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगा, और मे भी कभी कभी यूज़ कर लें
सो इसीलिए नीचे से हम कभी गए, नीचे से गए हम, एंड यहाँ पे ब्लॉक फॉर्च्यून भी है, इसको भी हम लोग को करना है, क्योंकि आई गेस ब्लॉक फॉर्च्यून में हम लोग का ग्लेसाइड भी आ जाता है, सो इसको भी हम लोग को लेवल अप करना है। फिलहाल के लिए हम लोग के पास ज़्यादा है नहीं, जेमस्टोन पाउडर कम पड़ रहा है, सो हम लोग पाउडर बफ को 50 कर दिए, क्योंकि वी नीड पाउडर। सो कोई भी एक्टिविटी करो, यू विल गेट प्लस 50% एक्स्ट्रा पाउडर फ्रॉम एनी सोर्स। सो ये 50 लेवल करने पे 50%, सो ये ज़रूरी था करना, इसीलिए हम उसको किए। चलिए प्रायोरिटी एक बार बता देते हैं नीचे से, ये दो को तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, स्पीड एंड फॉर्च्यून। फिर टाइटेनियम इंसिडियम अभी ऑप्शनल है, इसको मत करो, ऊपर जाओ, एंड मोल अभी रुक जाओ, क्योंकि कमीशंस पे सबसे पहले हम फोकस कर रहे थे। सो माइनिंग स्पीड ज़रूरी है, जेमस्टोन माइन या फिर कुछ भी माइन कर रहे हो, यू नीड माइनिंग स्पीड। एंड फिर हम ऊपर गए, सो ऊपर अभी जो भी होगा हम लोग का वो स्पेंड होने वाला है जेमस्टोन से, यहाँ से हम लोग का जेमस्टोन स्पेंड होने वाला है टीयर फोर से। सो टीयर थ्री और टीयर थ्री के नीचे जितना भी है उसमें आपको मिथरल पाउडर लगेगा, इसलिए यू कैन स्पेंड मिथरल पाउडर इन टाइटेनियम इंसिनियम, क्योंकि नीचे और भी कुछ में नहीं लगेगा। सबसे पहले माइनिंग स्पीड और फॉर्च्यून कर लेना, ये तीनों कर देना सबसे पहले, पहले स्पीड करना, फिर फॉर्च्यून करना, फिर एफिशिएंट माइनर करना, फिर जो बच जाए टाइटेनियम इंसिनियम में डाल देना, क्योंकि उसके बाद और कुछ आपको नहीं चाहिए। उसके बाद ऊपर आना, ऊपर जेमस्टोन्स का आपका खर्चा है, जेमस्टोन पाउडर का। तो सबसे पहले करना प्रोफेशनल, इसको करना माइनिंग स्पीड करना सबसे पहले, फिर जेमस्टोन फॉर्च्यून को करना, एंड देन यू कैन गो फॉर मे बी ब्लॉक फॉर्च्यून। उसके बाद आप ये सब पाउडर बफ और ग्रेट एक्सप्लोरर कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप पाउडर ग्राइंडिंग के तरफ जा रहे हो, तो ये नीचे वाला तो आपको करनी पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पाउडर मिथरल पाउडर से जा रहा है। उसके बाद अगर आप पाउडर पे फोकस कर रहे हो, तो मोल सबसे पहले फोकस करो, माइनिंग स्पीड आई थिंक 1500 या 1800 ऐसा कुछ माइनिंग स्पीड चाहिए रहता है आपको हार्डस्टोन वन क्लिक माइन करने के लिए, सो वो देख लेना एक बार, उतना स्पीड कर लो एक बार माइनिंग स्पीड, एंड उसके बाद सीधा यू कैन गो टू ग्रेट एक्सप्लोरर एंड पाउडर बफ। सबसे पहले पाउडर बफ बढ़ाओ, उसके बाद ग्रेट एक्सप्लोरर बढ़ा दो, एंड उसके बाद जो बच रहा है इधर उधर माइनिंग स्पीड पे या फिर ये सब पे जेमस्टोन फॉर्च्यून पे डाल दो। सो मेरे को और भी अभी चाहिए, ताकि हम जेम लवर को कर सकें एंड ब्लॉक फॉर्च्यून को बढ़ा सकें, सो आई विल गो फॉर इट। एंड सो दिस वॉज द बेस्ट HOTM 7 ट्री जो आप कमीशंस और डेली पाउडर ग्राइंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम इसको यूज़ किए हैं, सो यस, अगर आप HOTM 7 लेवल के हो तो यू कैन ट्राई दिस, एंड बहुत सून HOTM 8 का भी ट्री हम लाने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट होने ही वाला मेरा टीयर 8, सो उसके लिए भी, उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे हम लोग कुछ। कमीशंस के लिए ही हम लोग कर रहे हैं अभी, कमीशंस और पाउडर ग्राइंडिंग के लिए, क्योंकि वी आर नॉट मैक्स, हम लोग को अभी मैक्स आपको पता है टीयर 10 के लिए HOTM जाता है, तो टीयर 10 का एक बार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेमस्टोन बेस्ट माइनिंग फॉर मनी मेकिंग मेथड कौन सा ट्री होने वाला है। अभी गोल है हम लोग का टीयर 10 कैसे चले जाए जल्दी जल्दी कमीशंस करके एंड पाउडर्स अर्न करके पूरा ट्री को मैक्स कैसे करें। जहाँ तक मेरे को पता है जेमस्टोन पाउडर आई थिंक 26 या 28 मिलियन के अराउंड लगेगा पूरा मैक्स करने में, एंड मिथ्रल आई गेस 9 10 12 मिलियन ऐसे काफ़ी है, एंड ग्लेसाइड भी आई थिंक 18 20 मिल ऐसे कुछ लगेगा। ये सब रफ गैसेस है, जब ट्री बनाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि कितना एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगा। सो यस, दिस वॉज अ ट्री, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।